भाई ये तो भाई भारी नुकसान हो गया मेरा। पुराने टायर की हालत देखो मेरी भाई, क्या हो गया भाई, राइड ले आना मेरे को भारी पड़ गया। देखो GoPro कंपनी से? नहीं नहीं भैया मेरा ये नहीं। मैं ही हूँ भैया, विशाल नाम है ना आपका? तो क्या नाम है आपका? विशाल। ओ सॉरी विशाल, मुझे लगा आप सॉरी सॉरी कॉल बात कर रहा ना। ओके भैया हेलमेट हटाओगे भैया? वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। आज भाई 31 अगस्त और टाइम की बात की जाए, टाइम हो रहा है भाई अभी 12:28, समझ लो 12:30 हो रहा है अभी भाई। आई थिंक 12 बजे के आसपास से मैं लॉगिन पड़ा था घर पे, कोई बढ़िया सी राइड आ जाए यार। राइड तो कोई बढ़िया सी आई नहीं थी यार। फिर भाई पोर्टर पे राइड आई हमारे पास चक्करपुर की, मैंने ले लिया। मैं सोचा चलो कोई नहीं छोटी सी बार राइड लेते पोर्टर की, टाइम हमारा ख़त्म हो जाएगा शायद, उसके बाद कोई बढ़िया राइड आएगी आएगी अगर तो मिल जाएगी हमें। तो ये सोच के मैंने भाई जो पोर्टर पर राइड ले ली है। पिकअप भाई लक्ष्मण विहार से है भाई, 2.5 किलोमीटर से यार, और चलते पिकअप करने, 2 किलोमीटर और रह रहे भाई। लोकेशन पे तो आ चुके हैं यार, यही लग रहा है सैडलेस यूनिट 2। पूछते भाई कॉल करते हैं पहले एक बार। यही है ना? कोई बिल वगैरह भी इसका? बिल मैडम दे देगी आपको, ये ले लीजिए। क्या कर भाई हैं? हाँ चल रही है। राइडर हो गई हैं? कहाँ की राइडिंग की है? कहाँ की राइडिंग? में काम करता हूँ, ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ मैं। अच्छा ब्लॉग बनाता? हाँ जी हाँ हाँ, मेनली मैं काम करता हूँ रैपिडो वगैरह, ऊबर फोटो चलाता हूँ, तो वही अपनी जो है अपनी डेली लाइफ शो करता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। ये स्पेशल कितने का आया? ये 40,000 के प्रोक्स आता है ना। अच्छा सिग्नेचर करना है क्या? हाँ? सिग्नेचर करना है? नहीं पेमेंट आपको करनी है। ओके सो भाई पार्सल पिक कर लिया हमने, ये पार्सल है यार। अपने भी जाना है चक्करपुर, 28 में लगने वाले हैं, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है यार। चलो सही यार, पहले ऑर्डर मिल चुका है, छोटा सा पार्सल ही, छोटा सा ठीक है। ये लो भैया तो भाई पार्सल तो कर दिया हमने डिलीवर। इसमें अपने को मिले कितने यार देखें जरा, 150 रुपये तो कलेक्ट किया हमने, अपने को मिले भाई 117 रुपये है 10 किलोमीटर के, ठीक है यार। और चक्करपुर आ चुके हैं यार, चक्करपुर तो भाई काफ़ी टाइम बाद आया मैं, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। ऊबर रैपिडो पे निकला था यहाँ तो भाई डिलीवर करते ही यार भाई नेक्स्ट पोर्टर पर ऑर्डर आ चुका है हमारे पास। अपने को जाना भाई लोधी स्टेट, चलिए बढ़िया यार। अब पिकअप है यार सुशांत लोग से शायद से, चलते हैं 1.8 किलोमीटर से पिकअप, बस सही आराम से भैया। आराम से ये और ये डब्बा ये भी ले आना है। देखो ना हो तो साइड में बांध दो, बैग पर बैग में डाल के डाल ले, बैग में डाल लूंगा इसको। हां नीचे रखो, उधर रखो। पेमेंट कौन करेगा इसकी? पेमेंट कौन करेगा इसकी? पेमेंट वहाँ से हो जाएगी। अच्छा रजिस्टर्ड है ना गाड़ी सर? हाँ जी गाड़ी रजिस्टर्ड है ना? रजिस्टर्ड पोर्टल में ना, 17-20 है वो भाई, ख़राब हो गई मेरी। फ़ोटो भेज दो, फोटो किसी भेज लो। ये नंबर आपका? मेरा ही है नंबर, नंबर मेरा ही है, अकाउंट भी मेरा ही है, नाम भी मेरा ही है। ये कर दी मैंने ट्रिप स्टार्ट, ठीक है। ये एड्रेस क्या है इसमें? एड्रेस नहीं है, वो लोकेशन भी ले जाके छोड़ दी कि शंकर जी से बात कर लीजिए। ठीक है जी ओके। सो ओके ओके सो भाई पार्सल पिक कर लिया हमने, ये बॉक्स है और एक छोटी मतलब कुछ लिक्विड का कोई वो है भाई कंटेनर छोटा सा 5 लीटर का, वो बैग में रख लिया मैंने कि हाँ टांगता उसे। सो भाई 23 किलोमीटर डिस्टेंस है अपने जाना है लोधी स्टेट, लोधी रोड पर चलते हैं, 52 मिनट लगने वाले हैं। अभी भैया ठीक है सर, ये बॉक्स है और ये है, ये रख दूँ इसके अगर ये रख दूँ सो भाई पार्सल कर दे डिलीवर। अपने को मिले भाई 24 किलोमीटर के 224 रुपये, ठीक है यार। आके भाई आ चुके हैं लोधी रोड लोधी गार्डन के पास, देखते भाई यहाँ से क्या मिलता है। मैंने ऊबर रैपिडो फोन कर लिया अब।
सो भाई 5-10 मिनट वेट करने के बाद हमारे पास रैपिडो पे राइड आ चुकी है यार। अपने को जाना है नोएडा सेक्टर 70 यार, कोई और बढ़िया तो राइड आई नहीं भाई। तो भाई मैंने ले लिया, चलो कोई नहीं नोएडा निकल लेते हैं, दोपहर का टाइम है ही। और आई थिंक नोएडा सेक्टर 70 शायद थोड़ा दूर ही होगा यार। थोड़ा दूर क्या होगा यार, दूर कम से कम तो भाई 15-20 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। चलते हैं पिकअप करते हैं इसी कस्टमर को। भाई लोकेशन पे तो आ चुके यार, गेट नंबर 2। कॉल करते हैं कस्टमर को। रैपिडो नीलम, हाँ हाँ आप ही हैं। OTP बताइए। 1408 सो भाई मैम को पिक कर लिया हमने, अपने को जाना है यार सेक्टर 70 नोएडा। चलते हैं यार, 23 किलोमीटर डिस्टेंस है, 41 मिनट लगने वाले हैं भाई मैम के साथ VVVM का। चलो कोई नहीं, कंफर्टेबली बैठ चुके हैं, ड्रॉप करते हैं इनको। अब यहाँ से आपकी कोई ऑटो वगैरह जाती नहीं है? यहाँ से कोई ऑटो वगैरह चली जाएगी आपकी? हाँ टायर पूरा फट गया मेरा, बिल्कुल एकदम ख़त्म। शिट यार भाई, ये तो भाई भारी नुकसान हो गया मेरा भाई। मुझे पता ही नहीं चला कि यार मेरी बाइक में हवा कम है। हवा कम क्या है, पूरा फ्लैट ही था। अभी किसी ने मेरे को रास्ते में टोका कि भाई आपकी ना हवा कम है, हवा पहले क्या है तो पता चला यार टायर ही फट गया। देखो भाई टायर की दुकान है यहाँ पे कहीं, टायर की दुकान। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को, टायर डराना पड़ेगा मुझे अपने यार। चलो कोई नहीं। सो भाई ये देख लो यार, भाई ये देखो नया टायर लगवा लिया मैंने, अब पुराने टायर की हालत देखो मेरी भाई क्या हो गया भाई। राइड ले आना मेरे को भारी पड़ गया, ये देखो टायर मेरा फट गया भाई। बाइक मेरी हवा कम थी, सुबह 2 पार्सल लेके आया मैं, तो 2 पार्सल मुझे पता नहीं चला कि बाइक में हवा कम थी कि नहीं कम थी। फिर मैडम को बिठाया, ठीक है, तो उस टाइम हवा थोड़ी कम थी। मैंने बोला मैडम हवा कम है, मैं पेट्रोल पंप भरवा लूँगा। कह रही ठीक है मिल जाएगा रास्ते में तो भरवा लेना। अब वो रोड के अपोजिट में थी पेट्रोल पंप, तो कह रही भैया लेट हो रही मैं प्लीज़ आगे बाद भरा लेना, कहीं भरा लेना। आगे मुझे कहीं मिला नहीं, जब मिला मुझे तो मैं तो यार पहले उसको बोल रहा था मैं कहीं भरवाते रुक जाओ, बट भाई मैडम मान रही थी, उनके साथ उनका बेबी था, कह रही थी मुझे लेट हो रहा है ये वो। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार हवा कम है, शायद ज़्यादा थोड़ी मोड़ी कम होगी, ज़्यादा भी कम नहीं होगी। लेकिन भाई जब पेट्रोल पंप पे आया तो भाई देखा भाई मेरा टायर फटा पड़ा भाई, टायर ही पूरा फट गया। वैसे तो भाई टायर चेंज करने का टाइम आ ही गया था, लेकिन भाई चलता अभी भी, लेकिन यार ये ना फट गया, क्या करें लेके आया मैडम वो। अभी देखो ये टायर डलवाया मैंने मोटी कुट्टी वाला भाई, इसने 1750 को दिया ये, ऑनलाइन मैंने चेक किया तो 1731 दिखा रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब कमेंट करके बताओ आप भाई कि भाई इसने मुझे लूटा कि नहीं या फिर सही दिया। मेरे हिसाब से सही दिया, बाकी चलो कोई नहीं भाई जैसा भी है। अब भाई टायर लगवा लिया, काम करते हैं आज। तो भाई 500 काम किया और 1750 का नुकसान हो गया, चलो कोई नहीं, होता है फिर नुकसान हो जाता है, मेरा ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। सो भाई नोएडा में आके तो भाई मेरी पनौती लग गई भाई, पहले टायर फट गया और फिर भाई राइड जा रही थी। अभी समझ लो मैं जा रहा था दिल्ली भागा भगत, मैं कहा भाई यहाँ रहना तो टाइम वेस्ट है, लोकेशन लगा लेते मैंने हम रूट और दिल्ली भाग रहा था। लेकिन भाई राइड आ चुकी है मेरे पास पैकेज की ओवर पे, अपने को जाना है मौसम विहार। चलते पिकअप करने पार्सल को, 1.7 किलोमीटर पिकअप है। चलो यार निकलते यार यहाँ से नोएडा से, यार नोएडा गाजीबाद यार यहाँ आता तो काम का भी ख़राब होता है मेरा, कहीं कुछ होता है आज पंचर हो गया। चलो कोई नहीं यार जो भी है निकलते हैं जल्दी। पेमेंट है इसकी? अच्छा ओके मैम। सो भाई पार्सल पिकअप कर लिया हमने और अपने को जाना है वसंत विहार। क्या कह रहे हैं? OTP एक मिनट चेक करता हूँ मैं। हाँ मैम OTP भी है। सो भाई पार्सल पिकअप कर लिया हमने, अपने को जाना भाई वसंत विहार। चलते यार 21 किलोमीटर डिस्टेंस है और 50 मिनट लगने वाले हैं, जल्दी से करते भाई इसे डिलीवर। मैम ऊबर से आया था पार्सल लेके आया था, ऊबर का वरुण, वरुण जी का आपका? अच्छा हाँ दे रहा हूँ। GoPro कंपनी से देती है क्या? नहीं नहीं भैया मेरा ये। हाँ वही खुद ही लगाया हुआ। हाँ 1.6 सीटर है। हाँ जी ठीक है भैया, वेलकम। सो भाई पार्सल तो पिकअप, पार्सल तो कर दे ड्रॉप। अपने को से मिलने कितने हैं यार? अच्छा अभी OTP डाल लूँ पहले,
भाई अपने को मिले हैं 208 रुपये, आई थिंक 21 किलोमीटर का सस्ता। हाँ 21 किलोमीटर के 208, ठीक है भाई। बाकी यार अपने को पोर्टल पर ऐड आ चुकी है भाई। पिकअप है ये, कहाँ से पिकअप? पिकअप है भाई मोतीबाग से पिकअप है। चलते पिकअप करने, 2.3 किलोमीटर दिखा रहा है, थोड़ा शॉर्ट कट ले लेंगे हम, पता है मेरा रास्ता। चलिए पिकअप करके मिलता हूँ उसमें। अंकल ये ब्लॉक कहाँ पे है? ई ब्लॉक कहाँ पे अंकल? ई ब्लॉक अंकल, ई ब्लॉक किधर नहीं है? ई ब्लॉक पहले पूछा, मना क्यों करा फिर आपने? पहले पूछा था आपसे, मैंने अपने मना कर दिया। वो बताऊंगा। अच्छा ई ब्लॉक कहाँ पे? ई ब्लॉक, ई ब्लॉक हाँ 27। हाँ इन्हें नहीं पता अंकल को बता, पूरा घूम के यहाँ से निकल गया, मना कर दिया, निकल गया तो आगे ढूंढ रहा मैं। ये 27 बस, ये 27 ही है, फ्लोर नहीं है, फ्लैट है पूरा। हाँ जा कॉल नंबर, नंबर नहीं है सीधा, जाए घंटे बजानी है, मैसेज लिखा पड़ा है देखो इधर। ये 27 आना नहीं, कहते किसी और ने बुक करी है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते इधर। हाँ भाई ये गार्ड वाले लोग कुछ ज़्यादा ही लफड़ा रहता है इनको भाई, ज़्यादा कट रहती है। चलो कोई नहीं भाई, लोकेशन में तो आ चुका है यार 827, ना कोई घंटे ना कुछ, क्या यार फिर कॉल करो। पैकेट पिकअप के लिए आया था मैम, गुड़गांव के लिए। हाँ सेक्टर 25। ओके मैम, सो भाई पार्सल तो पिकअप कर लिया हमने, अपने को जाना भाई गुड़गांव सेक्टर 25 DLF फेज 2। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस है भाई 19 किलोमीटर, नहीं कम होगा 17 किलोमीटर। चलते हैं भाई, इसे रख लेते हैं। आप ही हैं? हेलो, हाँ जी मैम, P10 ओब्लिक 5 है ना? थ्री है। अच्छा 5 आ गया, सॉरी। हाँ आ गया मैम, मैं आ गया। तो फिर 10 मिनट, कोई है नहीं घर पे? तो मैं गेट के अंदर रख दूँ, इसे आप पेमेंट कर देना। हाँ मैं इसको घर के अंदर रख देता हूँ। एक एक ओके एक सेकेंड कॉल करना। यहाँ रख देता हूँ, ऐसी फोटो भेज देता हूँ। भाई पार्सल कर दे डिलीवर, अंदर आके रख दिया भाई हमने, कस्टमर थे नहीं घर पे, मैंने बोल दिया कोई नहीं आपके घर के अंदर देता हूँ, आप मुझे पेटीएम कर देना। बाकी भाई इसमें अपने को मिले भाई 162 रुपये, ठीक है यार। फोटो भेज ली मैंने भाई उसकी, अगर बोलेंगे तो भेज दूँगा, नहीं तो वीडियो तो है अपने पास। चलो सही है, अब देखते हैं कोई राइड मिल जाए बढ़िया सी। सो भाई समझ लो 15 मिनट के आसपास हो गया मुझे वेट करते करते, यार कोई बढ़िया राइड ही नहीं आ रही थी यार, ना पोर्टल पर ऑर्डर बज रहा था भाई। रैपिडो पे राइड आई है, हमें जाना है घाटा यार सेक्टर 56 के पास है यार। तो मैंने ले लिया यार, आई थिंक 8-10 किलोमीटर हो गई शायद से यार, इस भरोसे ले लिया मैंने। मैं चलो कोई नहीं यार, जो आ रहा है कर लेते अब खाली बैठे बैठे, जो वहाँ ही खराब होता है और क्या होता है। सिकंदरपुर मेट्रो से पिकअप यार, गेट नंबर आई थिंक 2 से, ये तो 2 है और 1 है, 1 शायद से। चलो इस जगह पिक करते हैं यार, ट्रैफिक यहाँ तो हमेशा रहता है यार ऑफिस टाइम ऊपर से। आओ सीढ़ी के पास बाहर खड़े रहो, ठीक है? आ गया मैं, कॉल पे रहो। आ गया भाई मेरे, आ गया मैं। बड़ा सा बैग है, यही तो नहीं आप? हाँ मैं ही हूँ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। विशाल ये लो। आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम। नहीं नहीं गुरुम में। मैं ही हूँ भैया, विशाल नाम है ना आपका? विशाल नहीं। तो क्या नाम है आपका? विशाल। ओ सॉरी विशाल, मुझे लगा पे सॉरी कॉल भी बात हो रहा था ना। कहाँ गया मेरे भाई? हैं फ़ोन तो मैंने ही किया था अभी, फ़ोन तो मैंने किया था। कहाँ है बंदा? ये तो स्कैम हो गया।
विशाल विशाल ये लो मेरे भाई, किसी और को समझ लिया मैंने, आ जाओ। 4 4 5 9 3। सो भाई वेगो पिक कर लिया हमने, अपने को जाना भाई घाटा। भाई 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 23 मिनट लगने वाले हैं। चलते हैं भाई जल्दी से, करते हैं भाई वेगो ड्रॉप। क्रिकेट खेलने आए हो क्या? क्रिकेट खेलने आए क्या? नेट का दिक्कत है यार, इधर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। नेटवर्क का दिक्कत है, एक मिनट रुक जाइए। आपके में दिखा रहा हूँ ना, आपके में आपके कितने दिखा रहे हैं? एक मिनट रुकिए, हो गया शायद। हाँ 104 रुपये। हाँ 20 रुपया ऑनलाइन कर रहा हूँ बाकी के। अच्छा चलो भाई, नेटवर्क का दिक्कत था, पेमेंट नहीं हुआ तो बोल दिया कस्टमर को मैंने कोई अंदर बैठे वापस कर देना। निकलते हैं यार, टाइम वेस्ट हो रहा था मेरे यहाँ तो। अपने को मिले इसमें 99 रुपये, वैसे 11.8 किलोमीटर के 12 किलोमीटर मान लो। बाकी भाई यहाँ से निकलते हैं यार, यहाँ तो क्रिकेट ग्राउंड, हॉर्स राइडिंग, पता नहीं क्या क्या चल रही है। सो भाई 10-15 मिनट के वेट के बाद यार अब जाके भाई मुझे राइड मिली भाई नेहरू प्लेस की। चलो भाई राइड मिली, बढ़िया मिली है रैपिडो पे भाई। बाकी चलते वेकअप करने 500 मीटर से वेकअप यार, बस भाई कैंसिल ना कर दे यार। ये लो भैया, हाँ ओटीपी बताओ ओटीपी। सो भाई वेकअप कर लिया हमने, अपने बताना भाई नेहरू प्लेस 29 किलोमीटर गुड़गांव। हाँ जी 29 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है। चलते हैं भाई जल्दी से, करते हैं वीवो ड्रॉप। सो भाई नेहरू प्लेस, तो भाई कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप और उसके अंदर अपने को मिले भाई 29 किलोमीटर के 257 रुपीज़ भाई। और अभी 10-15 मिनट से वेट कर रहा था यार मैं कि भाई रैप कोई बढ़िया सी राइड आ जाए मेरे घर की तरफ की। तो भाई गुड़गांव की राइड आ चुकी है, गुड़गांव सेक्टर 72 की पार्सल की ऊबर पे। चलते पिकअप करने, पिकअप भाई 1.6 किलोमीटर से है। सही है यार, सीधा यहाँ से गुड़गांव की राइड मिल गया इसकी, वही पार्सल। हाँ भी भैया, ओके भैया आपका मोबाइल नंबर बोलो। 9 ये कंप्यूटर का सामान है। अच्छा जरा हेलमेट हटाओगे क्या? हाँ, मास्क नीचे करो। बैग वैग है आपके पास? हाँ है ना, बैग है मेरे पास। सो भाई पार्सल पिक कर ले भाई, पता नहीं कह रहे कोई कंप्यूटर का सामान है यार, फोटो नंबर सब ले लिया मेरा। चलो कोई नहीं भाई, उन्होंने अपने एंड से सेफ्टी रेंज से लिया भाई, कोई बात नहीं। बाकी 36 किलोमीटर डिस्टेंस यार, 1 घंटा 3 मिनट लगने वाले हैं भाई, बहुत ही बढ़िया यार, 1 घंटे पहुँच जाएंगे। सो भाई पार्सल तो कर दे डिलीवर, और अपने को मिले भाई इसमें 338 रुपये भाई 36 किलोमीटर के। ठीक है अब बाकी भाई यहाँ से निकलते हैं यार, घर की तरफ चलते हैं। रॉकी ओटी बताओ भैया। तो भाई लास्ट राइड मिल चुकी है अपने को अपने घर के पास की, बोलता बतावर के पास उतरना एकदम अशोक विहार में। चलो भाई बढ़िया यार, वहाँ से ड्रॉप कर गया मेरा माता का घर, 2 किलोमीटर रास्ता है। चलिए बढ़िया भाई, 8 किलोमीटर डिस्टेंस है, 15 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है भैया ओके। सो भाई भैया कर दिया ड्रॉप अब भाई अब जहाँ से निकलते अपने घर की तरफ भाई, इसमें अपने को मिले हैं 77 रुपये, 8 point something किलोमीटर, 8 किलोमीटर मान लो। चलो सही है, अब सीधे यहाँ से निकलते हैं घर और मिलते हैं आपसे घर पे। सो भाई लास्ट राइड मैंने कंप्लीट करी थी भाई गुड़गांव दौलताबाद फ्लावर के पास यार, और वहाँ से सीधा मेरा घर 2 किलोमीटर था तो मैं घर आ गया था। सो बात की जाए अर्निंग की, तो भाई 504 रुपये का मैंने पोर्टल पे गया था, 521 का उबर पे और 604 का रैपिडो पे। पेट्रोल मान लो समझ लो 330 के आसपास पेट्रोल लगा मेरा, और खाने में लगे थे 90 रुपये। तो भाई इस हिसाब मुझे भाई मैं 1209 भाई ये बचे हैं, 12:30 निकले थे और 10:30 बजे घर आ गए थे, मतलब 10 घंटे मान लो 10 घंटे बचे 1209 रुपये भाई। ये तो क्या बचे हैं हमारा, तो भाई टायर ही फट गया था भाई, कस्टमर को उठा के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में वो भाई 1750 का टायर लग गया था। चलो कोई नहीं आया, तो होता रहता है कभी कुछ तो होता रहता है यार, एक काम ऐसी है। बाकी ठीक है यार, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताना, और अच्छे लगे प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब मारो यार। मिलते हैं कल आपसे इससे भी और मज़ेदार वीडियो के साथ। ओके टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।